देवरिया जिले के लार विकास खंड लार थाना क्षेत्र ग्राम रावत पार रघेन 30 से 40 परिवार के लोग के सामने नाले की विकट समस्या बनी हुई है। यहां के लोग रोड पर पानी बहाने पर मजबूर हैं। यहां के लोगों का कहना है कि पूर्व प्रधान द्वारा नाली और रोड का काम हुआ था, पर वर्तमान प्रधान के द्वारा नाली को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस गाँव के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने मिलकर पूछा प्रधान जी, यह नाली जो बह रहा है और रोड, इसको बनवा दीजिए। जो आपके द्वारा रोड को उखाड़ दिया गया है, इसमें हमारे बच्चे और हम लोग गिर जा रहे हैं, हाथ पैर टूट जा रहा है। तो ग्राम प्रधान यशवंत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह कह रहे थे कि चमटोली और धोबी टोली का रास्ता और नाली नहीं बनेगा, और ज्यादा बोलोगे तो तुम लोग आबादी में बसे हो, हम उजाड़ कर किसी और को बसा देंगे, जो करना है कर लेना, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। जब मीडिया कर्मी द्वारा ग्राम प्रधान से जानकारी लेने की बात की गई, तो ग्राम प्रधान ने कहा, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, आखिर आज 1.5 साल हो गया ग्राम प्रधान की सत्ता पाए, आज तक कोशिश में प्रधान लगे हुए हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है। ग्राम कौन सा पड़ता है? ग्राम रावत पार। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे वहाँ न पानी की निकसार है, न नाली की निकसार है, न रास्ता का कोई है। अच्छा, हमारे वहाँ के प्रधान जो है, जहाँ लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ सड़क जिगवा दे रहे हैं। अब आप, आपके सामने ही है, देख लीजिए कि कैसा है, यहाँ आवश्यकता नहीं है। कितने घर इस समस्या का जूझ रहा है? लगभग हम लोग 40 घर हैं। 40 घर? क्या प्रधान से आप लोगों ने शिकायत नहीं किया है? हुआ है कई बार, जो है हम लोग का है, ये इंटरलॉकिंग था, थोड़ा बहुत जाने के लिए ये था, लेकिन वो भी उखड़वा दिए ये। अच्छा अच्छा, आप शासन के पास गए थे, एडीएम साहब के पास? और जी, तो क्या हुआ, क्या आश्वासन क्या मिला आपको? दो दिन के लिए मोहलत मांगे थे, लेकिन दो दिन से क्या, चार दिन हो गया। चार दिन हो गया, कोई सूचना नहीं है। किसके पास गए थे आप? एडीएम के पास। एडीएम के पास गए थे। अच्छा, अपना परिचय बताइएगा। मैं प्रधान ग्राम रावत पार हूं, यह कौन सी आपके यहाँ रोड और नाली की समस्या है? समस्या है जी, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? उसके बारे में हम काम कर रहे हैं, इसका समाधान बैठकर कर लिया जाएगा, और कर रहे हैं। आए दिनों में देखते हैं कि रोड पे ही नाली बहा रहे हैं लोग, घरों से अपने बाल्टी बाल्टी पानी धो के रोड पे गिरा रहे हैं। क्या आप, 1 साल हो गया इस समय, इतने दिनों में आपने कभी ध्यान नहीं दिया क्या? हमने ध्यान दिया है, हम उस कार्य में लगे हुए हैं, मगर वहाँ के पब्लिक के समझदारी नहीं है। जब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। वो काम के लिए हम धन भी खर्च कर रहे हैं। प्रधान जी, आपको देखा गया कि आपके दरवाजे पे एक सार्वजनिक आरो लगा है, उसके बारे में क्या बताएंगे? सार्वजनिक आरो लगा है, हमने कम से कम 40 घर आगे पीछे हमने पूछ किया, सरकारी जमीन नहीं मिला, तो सब लोग कहे कि आरो वहाँ अपने दरवाजे पर लगा दीजिए कि सेफ्टी रहेगा। वो हमारे दरवाजे पर भी नहीं लगा है, बगल में लगा है, हमारे परिवार का वो जमीन है। हमारे पास उसका साक्ष्य है कि आपके दरवाजे पे वो वीडियो में दिख रहा है कि हाँ, आपके दरवाजे के सामने लगा। आप अपना पर्चे बताएं, कौन सा गांव पड़ता है आपका? कौन सा गांव पड़ता है आपका? राउत पार अगेन। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही नाली के विषय में। नाली के विषय में? ना नाली है, ना चक्रोड है, ना कहीं पहने के लिए व्यवस्था है। अच्छा, हम लोग यही कह रहे हैं, जो अगर जो नाली निकलना है तो बीच राह निकाल करके नाली ले जा करके भगड़ा में गिरा देती है। तो क्या कहे प्रधान जी? प्रधान जी से बोले थे, जे प्रधान जी, आप नाली बनवाने के लिए 6 महीने से सड़क कुड़वा दिए हैं, आप आज तक ले नाली नहीं बनवाए, तो हमसे क्या बोल रहे हैं, जे नाली का हमारा बजट नहीं है। अच्छा। चक्रोड बनाने के लिए बजट है, बाकी नाली बनाने के लिए बजट नहीं है, है? तो उसीलिए वो नाली बनाने के लिए आया, तो हम लोग रोक दिए। हमको पहले नाली चक्रोड बनाने के लिए तो बोला, जो हम लोग ये नाली बनाइए तब चक्रोड बनाइए, जब पानी का व्यवस्था ही नहीं है तो चक्रोड कैसे बनेगा, यही बात है। अच्छा, पर्चे बताइएगा। उपरा मेला भारती। क्या समस्या आपकी? समस्या है कि हम लोग को ना सड़क है, ना नाली का निकासी है, और बच्चे भी गिर जा रहे हैं। प्रधान के पास गए तो वो बोल रहे थे कि हम नाली निकलवाएंगे और ना सड़क निकलवाएंगे। जहाँ भी जाना है जाइए, SDM के पास जाइए, प्रशासन के पास जाइए, जो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है मेरा। क्या नाम है आपके प्रधान जी का? श्री जसवंत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। अच्छा, तो वो लोग धमकी दे रहे हैं कि मतलब आप कहीं भी जाएं कुछ काम नहीं होगा? हाँ। अच्छा, आप और प्रशासन का सहयोग लिए हैं? नहीं, और लार गए थे, लार भी नहीं सुनवाई हुआ,
सलेमपुर गए थे, वो अभी दो दिन के मौत लिए, वो भी नहीं आए। अच्छा अच्छा, लार में किसके पास, लार में किसके पास गए थे? वीडियो के पास, ब्लॉक के पास, वीडियो के पास गए थे, अभी वीडियो नहीं थे। और तहसील में किसके पास गए थे? तहसील में एडीएम के पास गए थे। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वो बोले कि दो दिन के मौत लिए। अच्छा चलो ठीक।